इन शोज को इतना देखा नहीं जाता था लेकिन मैं अपना ढाबा चला रहा था उस वक्त भैया जयपुर पहुंचा आठ दस हजार बच्चे आए हुए थे और देख लो जयपुर से आशुतोष कौशिक भी सिलेक्ट हुआ था सिर्फ आज तक क्या तो बर्बाद है टाइम था जब काम नहीं था या जो चीजें थी आप डिप्रेशन में चले गए थे थोड़ी एंग्जाइटी होती थी फिर आप वहाँ से बाहर निकले एक किसी काम से एक बार दिल्ली गया और दिल्ली की मेट्रो में घुसा तब मुझे पता चला भाई तू कुछ बहुत ही बड़ा शो कराया है इतनी भीड़ पीछे पड़ती थी ऑटोग्राफ मांगती थी ऑटोग्राफ देने नहीं आते थे कैसे दें? उस टाइम का बिग बॉस जो होता था लगता था जेन्यून हो रहा है चीजें आज भी होती होगी बट आज एक लोगों का परसेप्शन बन गया है कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड शो है कहते हैं बम्बई सपनों का शहर है हर इंसान अपनी किस्मत आजमाने बंबई आता है और हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि रियलिटी शो की दुनिया में अगर वो एक बार चमक गए तो बम्बई उन्हें हमेशा अपने हथेलियों पे रखेगी उसमें से दो बड़े रियलिटी शो होते हैं रोडीज़ और बिग बॉस रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ टॉक शो में हमारे आज के गेस्ट ऐसे हैं जो कोई परिचय के मोहताज है नहीं रोडीज फाइव के विनर और बिग बॉस सीजन टू से पूरे देश के दिलों में अपनी अलग पहचान और छाप छोड़ने वाले आशुतोष so में मौका दिया आज चलिए आज देखते हैं आप क्या पूछेंगे चर्चा शुरू करते हैं आशुभिया सबसे पहली चीज एक गाँव का लड़का जो ढाबा चलाता था उसके लिए कितना टफ था ऑडिशन तक पहुंचना अच्छा देखिए होता क्या है जैसे ये एम टी वी जैसे शोज़ जो होते हैं उस वक्त गांव में देखे भी नहीं जाते थे क्योंकि मोस्टली इंग्लिश में होते थे और इंग्लिश में हमारे गांव वालों को तो आपको पता ही हार्ट टाइट ही होते हैं हमारे खुद के हैं तो इन शोज़ को इतना देखा नहीं जाता था लेकिन मैं अपना ढाबा चला रहा था उस वक्त तो कुछ लड़के आए एक दिन मेरे पास कि भैया इस तरह एक रियलिटी शो है रोडीज तो वहाँ चलना है अब रूडीज का हमें रियलिटी शो का मतलब सिंगिंग और डांसिंग का ही पता होता था मैंने देख भाई हम इतने बड़े डांसर तो है नहीं पीछे घोड़ी हो तो आगे नाच लेते हैं अगर ये डांस वांस का है तो हमारे बस का तो जाना है नहीं और सिंगिंग का है तो हमें अपना गाया हुआ खुद अच्छा नहीं लगता <laughs> तो और किसी को तो क्या लगेगा तो हमारे बस का तो है नहीं ऐसा कुछ कह रहे ऐसा कुछ है ही नहीं आप चलो तो मैंने फिर भी उन्हें इग्नोर ही किया क्योंकि वो ढापे पर भीड़ बहुत लगी हुई थी उस दिन वो मेरा वेट करते रहे मैं उन्हें टालता रहा शाम तक रात को भी वो वेट करते रहे ट्रेन भी निकल चुकी फिर वो मुझे फ़ोन करते रहे मैंने भी ढाबे के पतीले पुतीले फेंके मैंने कहा क्या जाला चलो आज देखते ही हूँ होता क्या है और बस ली चंडीगढ़ ऑडिशन के लिए निकले और बस में मैंने पांच टिकट खुद के लिए अच्छा। मैंने पीछे वाली सीट पे लेट के जाऊंगा सोता हुआ जाऊँगा हाँ। तभी जाएगा कल को, को अच्छे से बात कर पाऊंगा नींद पूरी होगी और जब चंडीगढ़ पहुंचे तो हम ऐसा लगा कि किसी अलग दुनिया में आ गए हैं हमारे सिंपल से कपड़े पैंट शर्ट जो होती थी दो सौ ढाई सौ रुपये वाली पैंट इस तरह पहनते थे हम और स्पोर्ट्स शू होते थे दो सौ ढाई सौ वाले ही और वहाँ देखा तो सब स्टाइलिश इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां ने हमने कहीं देखी थी और वो लड़के यो मैन ब्रो इस तरह चाय में सब हम भी अपना लेकिन ये है कि बचपन से कॉन्फिडेंस ओवर तो नहीं था लेकिन हाई तो पूरा ही था हम भी अपने उसमें अरे हटिये हमें भी जरा उम दे इंतजाम दे तो वो फॉर्म भरा एक सब उसमें पहुँच गए एक वेन्यू में जहाँ पूरी हुटिंग डांस वांस स्टेज पे शो हो रहा है कल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर उसके बाद आपको ऑडिशंस के रूम में जाना है ऑडिशन में पहुँचे ऑडिशन में उन्होंने एक बात रखी कि अब आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट हो मैं उसके फेवर में था और ऑडिशन देकर आ गया उस वक्त क्या होता था रात को ब्लैक बोर्ड लगता था उस पर नाम आते थे कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ अच्छा तो जब मैंने रात को वो लिस्ट लगी कि कौन अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ है पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए तो वहां मेरा कोई नाम नहीं था ओके okay. मैंने कोई बात नहीं अगर नाम नहीं है तो थोड़ा सोचा भी मैंने कहा भाई तूने जो आंसर पूछा था तूने जो उनका आंसर दिया आंसर है आंसर तो तेरा ठीक है बड़ा प्रैक्टिकल आंसर है ये नहीं है कि प्रैक्टिकल ही है बस वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विचारधारक हूं या वो नहीं ये नहीं होने दूंगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा मैंने प्रैक्टिकल दिया मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगी एक उस तरह की बात ये, है ये, ये, ये। आज पूरा नोएडा बस गया अगर भ्रष्टाचार न नो, नोएडा बस जाएगा क्या <laughs> तो मेरा उस तरह का आंसर रहता था तो तो वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने उन लड़कों से ही पूछा मैंने भाई दूसरा ऑडिशन कहाँ है तो पता चला दूसरा ऑडिशन भाई दिल्ली है इसका तीन दिन बाद अब घर से झूठ तूफान बोल के हम दिल्ली निकल लिए दिल्ली में सीसगंज गुरुद्वारे में जाके माथा टेका और वहीं रुके और दिल्ली वाले ऑडिशन में पहली बार दिन, दिल्ली पहुंचा था मैं और दिल्ली के ऑडिशन में भी हम रिजेक्ट हो गए वही सेम स्त्री okay. फिर सोचा कि भाई फिर ये लगता था यार तेरी जवाब तो तेरा ठीक था hmm. मैंने कहा फिर एक डिसीजन निकाला मैंने कहा तेरे मतलब का जज ही नहीं बैठ रहा है फिर <laughs> बस और कुछ नहीं बात तो तेरी ठीक है मतलब क्वेश्चन ऐसे होते थे कि पुलिस को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए मैं फेवर में होता था देना चाहिए क्यों देना चाहिए मैंने कहा जी आप अपनी गलती पे दे रहे हो आ, पुलिस अपनी पे आ गई ना बिना गलती के भी ले लेगी <laughs> <थीक laughs> तो मेरा वो नहीं होता था नहीं रिश्वत देना पाप है नहीं देना चाहिए जी आ, और हाथ जोड़ूंगा मैं तो पहले पैर पकड़ूंगा वरना नहीं चला तब कुछ देके निकलूंगा आ, तो नहीं सिलेक्ट होता था अब इधर पापा गालिया देते थे जब मैं ढाबा छोड़ के निकलता था और फोन अब तुझे रोडी पत्थर का कोई काम करना कहा रोडी पोड़ी में जाता तू यहीं कर ले रोडी पत्थर का काम करना ढाबा छोड़ के भाग जाता है अब उन्हें कैसे समझाऊ फिर एक बार कोई हो गया भाई अब छोड़ो अब जाते ही नहीं पापा भी बहुत पीछे से गालिया देते थे और फिर माँ ने मेरी एक बार कहा कि जाना हो क्या तू तीसरा अगर जयपुर जाना है क्या है हो क्या मैंने मम्मी सेलेक्ट भी नहीं होता कह रहे कोई बात नहीं कोई तुझे भीख नहीं देगा तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा क्या बात है मैंने कहा बात लगी मुझे भी मैंने कहा यार बात तो ठीक है इनकी भैया जयपुर पहुँचा आठ दस हज़ार बच्चे आए हुए थे और देख लो जयपुर से तो सेलेक्ट हुआ था सिर्फ आज तक क्या तो बात है है तो मेरा मानना यह है किस्मत में जो होगा मिलेगा आपको सही टाइम पे सही जगह खड़ा भी होना पड़ेगा सही है आपने कितनी अच्छी लाइन कही कि कोई तुम्हें भीख नहीं देगा तो तुम्हारा कटोरा छीन भी नहीं सकता मतलब लगे रहो आपके हा? जो हाथ में चीज होती है रोडीज के पूरे सीजन में देखा गया आप सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए लेकिन आपने टास्क में जैसा परफॉर्म किया आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता था तो आपका एक ही जवाब होता था मैंने अपना बेस्ट किया। ये क्या अलग अलग तरह के टास्क हैं जो मतलब रनिंग के, 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 का, का टास्क है तो हूं तो नहीं और कोई अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा ही नहीं हुआ भाई नहीं हुआ और क्या जान लोगे क्या हमारी नहीं हुआ

क्योंकि मैं मुंबई तो इस बीच में कुछ था ही नहीं कोई आ। मतलब नहीं था और रूडीस जब मैं मतलब वहाँ से आया एक किसी काम से एक बार दिल्ली गया और दिल्ली की मेट्रो में घुसा तब मुझे पता चला भाई तो कुछ बहुत ही बड़ा शो कराया है इतनी भीड़ पीछे पड़ती थी ऑटोग्राफ मांगती थी ऑटोग्राफ देने नहीं आते थे कैसे दें ये भी नहीं पता था ऑटोग्राफ कैसे देते हैं रात को बनाने सीखे और बहुत सारे बना के जेब में रख लिए अगले दिन फिर मेट्रो में जाना था जो भी ऑटोग्राफ मांगे मैं गले पकड़ कर रहा कि क्या मैं रेडीमेड है आप लिख बाकी मतलब ये हाल हो गया था तो तब पता चला कुछ बहुत बड़ा शो कर आया हूँ मैं और मैं फिर अपने ढाबे पे था ढाबे में भी एक हाथ में कड़छी होती थी एक हाथ में फोटो खिंचवा रहा हूँ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ यह हाल होने लगा पापा फिर गा देते हैं सारा यहाँ कोई दाल रोटी लेने आता नहीं और यहाँ फोटो चलती रहे सारे दिन <laughs> तो इस तरह चलता रहा और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था एम टी वालों ने पासपोर्ट बनवाया पहली बार फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट का किस्सा मुझे आज भी याद है एयर होस्टेज आई कुछ पूछने की सर वाट वुड यू लाइक वो तो समझ नहीं आया उसने बोला गया मैंने कहा कि हरे वाला दे दो पैकेट ये वाला दे दो कलर्स के हिसाब से चीजें मांग ली और फिर वो कहने लगी सर आपका कुछ पाँच सौ कुछ रुपए का बिल है मैंने क्या पाँच सौ का बिल मैंने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास कह रहे आपने लिया क्यों क्योंकि हमें एमटीवी ने मना किया था आप कोई करेंसी कैरी नहीं करोगे हमारे साथ रहोगे okay. मैंने टेंशन ना लो वो हम पे है भी नहीं कैरी कह तो कहां से करेंगे कह रही नहीं सर आपने फिर आपने खाया क्यों मैंने आपने दिया क्यों कह रहे ये थोड़ी होता है इस तरह पेमेंट देनी पड़ती है मैंने कहा मैडम अच्छा ऐसा है आप नीचे चलना मेरे साथ जो मुझे लेने आए होंगे मैं उनसे दिलवा दूंगा कह रहे हम थोड़ी ऐसे उतर उतर के नीचे जाते हैं मैंने फिर उधार कर लो अगली बार आऊंगा दे दूंगा अरे यहाँ थोड़ी फ्लाइट में उधार होता है अरे भाई मैंने कहा उधार तो साला दो देशों में जाता है कोई चाइना और इंडिया मिलने थोड़ी जाते हैं उधार तो उनमें भी होता है ये तो रिलेशन है बना लो नहीं नहीं मैंने कहा अच्छा ऐसा करो आप एक कॉफी और दे दो तो, फिर आपसे जैसे ले जाते हो आप ही ले लो ठीक बात है तो तीन साल बाद मुझे लेडी मिली ऑटोग्राफ मांगने आई थी मैंने कहा अपने पैसे ले लो लो अरे याद है मैंने कहा आपको शायद याद ना हो आपसे उधार हुआ था एक बार तो मैं तो वही था उस दिन भी

थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिपिंग देखी थी उसकी थोड़ी थोड़ी okay. उस दिन में मैं अपनी का वास जा रहा था, फोन आया, आपको तो अच्छा उसका ये फायदा था उसमें शांति थी घर वालों को देख तो लेते थे रोज टीवी पे देख लेते थे क्या कर है रोड में तो पता ही नहीं था 40 दिन कहाँ हो आप ना घर वालों से कनेक्ट कराते थे पापा गाले देते थे फोन करके हमारा लोंडा ले गए तुम गा ले गए तो वो इस तरह परेशान करते थे पापा जी ने पीछे से फ़ोन कर करके वो इधर से उधर से वो रिप्लाई ये देते थे कि ही सेफ़ हैंड सेफ हैंड अब हमसे सेफ कौन से हैंड होंगे हमें ही नहीं पता हमारा लड़का कहाँ है तो वो इस तरह करते हुए खैर बिग बॉस का कॉल आया मैं बॉम्बे यहाँ मीटिंग करने आया एंडामॉल पहली बार बॉम्बे मैं तब आना हुआ और मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ मुंबई में भी और मैं एंडामॉल के ऑफिस के नीचे बैठा होता था कितनी बार कॉल आता था ऑफिस आओ मैंने कहाँ बताओ कह तू यही था मैंने कहा सर मेरे पास कोई काम नहीं है आप मुझे मना करो मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ फिर किसी दिन फोन आता था कि जरा ऑफिस आओ मैं गेट खोल के मैंने कहा बताओ कह रहे यही था मैंने मेरे पास कोई काम नहीं है मैं किसी को जानता भी नहीं हूं मैं पंद्रह सोलह दिन वहां पर बैठा हूं स्त्री सोलहवे दिन उन्होंने मुझे एक, एक एग्रीमेंट दिया कह रहे इसको पढ़ लो और अपना भाई साइन कर लो एग्रीमेंट अब उसे पढ़े कौन एग्रीमेंट को सारा इंग्लिश में एग्रीमेंट मैंने उनको ये तो बताया नहीं मुझे नहीं आता पढ़ना

आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा देखो एक्सपीरियंस एक ज्वाइंट फैमिली हम जैसे हम तो में रहते हैं, आज भी रहते हैं एक में घर का एक लीडर होता है भाई डोमिनेटिंग होंगी तो मम्मी वरना पापा लीडर होंगे और एक शर्म हया होती है कि फादर के सामने नहीं बोलना इतना या मम्मी के सामने ऐसे नहीं करना उस घर में सारे ही लीडर हैं तो वो वैसा घर था और उस घर में मैंने ये सीखा कि अपने टेम्पर को आप लूज ना करके उसको यूज कैसे कर सकते हो क्या बात उस घर ने सिखाया क्या बात है टेम्पर यूज करना क्या होता है फिर जब रोडी बिग बॉस से आप बाहर निकले विनर बन के निकले अब रातों रात रातों रात तो नहीं बट आप स्टार हो चुके थे मैं आपको तब से जानता हूँ और कुछ ना आखे लोगों को फोकस्ड मुझे याद है आप और हम एक पार्टी में आगे बड़ों से पूछना चाहूंगा उस टाइम के बिग बॉस में और आज के बिग बॉस में बहुत सारे फॉर्मेट से हर चीजों में चेंज आ गया है उस टाइम का बिग बॉस जो होता था लगता था जेन्यून हो रहा चीजें आज भी होती होंगी बट आज एक लोगों का परसेप्शन बन गया है कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड शो है

हमारे टाइम का ही बता सकता हूं क्योंकि मैं तो उसी में था बिग हाँ। बॉस इतना सच था जितना इस कमरे में ऑक्सीजन है क्या बात है हमें कभी कुछ नहीं कहा गया कि आप ये लाइन बोलो या ऐसा कुछ करो कुछ भी नहीं कहा गया नो कनेक्शन आउटसाइड वर्ड था उनका फॉर्मेट था और कभी कोई सामने नहीं आता था जब आप घर से निकले कौन सबसे अच्छा दोस्त बन के निकला आपका और कौन दुश्मन देखो मैं तो सबसे राम राम करता था मेरा पैमाना है राम राम सबसे पहले मैं करूंगा ताकि सामने वाले को जवाब देना पड़े मैं उस बात की वेट नहीं करता ये बोलेगा तो मैं बोलूंगा तो जो आज भी मुझसे राम राम रखता है मैं उस, मैं करता हूं। आ, और नहीं करता कोई घोड़ा भी, को <laughs> तो, को तो भी खराब हो जाएगा अगर आप गधे को घोड़े वाली इज्जत दोगे आ, तो घोड़ा भी आपसे रूठा और गधे के हाथ में खराब हो गए भाई ऐसा नहीं कर पाएगा वो इज्जत तो देख ढंग से देख के देनी चाहिए किसको देनी है आज भी राहुल भैया से अच्छी राम राम है डायना जी से है और और जो मिल जाते हैं जुल्फी भाई से है संभावना से है काफ़ी लोगों से है एक चीज़ आशु भैया उसके बाद एक कहा जाता है स्टारडा आई थोड़ा सा उस समय ये होता है कि हम जब चकाचौन में होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ ऐसी लत लगती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया दिखाया गया <coughs> उसके बाद मैं आपको जान लो आपने उस चीज़ से बहुत मेहनत करके आप उस चीज़ से बाहर आए रियलिटी शो के बाद जब एक टाइम स्टार्डम रहता है फिर नया शो आता है आजकल तो इतने रियलिटी शो हो गए कि आपको पता भी नहीं चलता आपके टाइम की तो ऐसी थी कि सब जानते थे हाँ। आज अब जब वो चीज आ रही है आप एक ही सक्सेस को लेकर लंबा नहीं चल सकते आपने उसके बाद इतनी फिल्में की काम किया तो कितना लिवरेज मिल जाता है आपको एक रियलिटी शो में काम करने के बाद या आज भी जब आप फिल्म कर रहे हैं। आपने ये लाल रंग की जिला गाजियाबाद की चल सोजा बापू वाली फिल्म की आज भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है या चल जाता है काम कि भाई बिग बॉस का क्लिप देख लो मैं वैसे ही हूं नहीं होता क्या है चीजें ना आपको टाइम से मिलने बहुत अच्छी बात है हाँ। लेट मिल जाए तब भी अच्छी बात है हाँ। चीजें कभी भी आपको पहले ना मिले और सफलता जो आप कह रहे हो सक्सेस जो होती है हाँ। मेरा मानना यह है कि लाइफ टाइम सक्सेस रहना सक्सेस है कोई चीज आई और चली गई उसे मैं सक्सेस नहीं कहूंगा उसके बाद क्या उसके बाद क्या किया आपने फिर क्या किया तो वो तो एक चांस हो गया फिर वो एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान नहीं हुई और मेरे साथ क्या हुआ मुझे वो चीजें बहुत जल्दी मिल गई मुझे जैसा मुंबई में डिप्लोमेटिक बात करनी नहीं आती थी सीधी सीधी बात करता था कोई बात करता था कास्टिंग में कोई बात करते थे तो जहां एक्चुअली आया तो मैं कहता मैं सर देखो एक्चुअली हटा के बात करो ये एक्चुअली का मतलब काम ही नहीं होना है मैं सीधा सीधा बोलाता था ये तो बाद में समझ में आया मुंबई भी ढाबा चलाना जैसा ही है वहां हरे को रोटी खिला रहे थे हम तो अब वहां भी ढाबे में किसी के खाने में कंकर आ जाता था वो चिल्लाता था क्या आया कंकर मैंने कहा भाई साहब ये स्पीड ब्रेकर है कंकर नहीं है आप ही धीरे धीरे चलो आप धीरे धीरे खाते ना कंकर साइड कर देते तो बाद में पता चला कि भाई मुंबई तो ऐसा है फिर मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू की और मुझे समझना है तब भी समझना है कि एक्टिंग होती क्या है और जिन टीचर से सीखता था वहाँ पर काफ़ी बच्चे बैठते थे मुझे शर्म भी आती थी उस वक्त तो मैं उन्हें कहा लड़के सब लड़कियाँ जो बैठती थी खीखी खीकी सब हंसती थी करता क्या है मैंने कहा सर अब आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं और मुझे घर आगे सिखाओगे इसकी फीस बताओ क्या लोगे तो मुझे वहाँ भी समझ नहीं आई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज भी स्मॉल डी और स्मॉल बी में कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं फोर्थ क्लास तक आ गया था मैं इस बातें पिटता था स्कूल में कभी इधर बनेगा और मम्मी भी रोज टीचर लिख के भेजती थी ये तुम्हारा लड़का चौथी में आ गया से डी और बी तो आता नहीं तो एक दिन पापा भी सुन रहे थे इस बात को तो कह रहे क्या हो गया कह रहे चौथी में आ गया इसको डी और बी तो आता नहीं कह रहे जराबे मैंने हाँ जी तू खाना किस हाथ से खाता है मैंने इसी हाथ से कह रहे हमेशा डी बनेगा देख अच्छा और जिससे नहीं खाता है बी बनेगा यही तेरा दाया यही तेरा बाया तो जैसे ही ऐसा गुरु मिलता है आपकी बीमारी दूर हो गई मुझे आज भी ये प्रॉब्लम है लेकिन मुझे पास सोल्यूशन है तो किसी को पता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है ये तो आपके रोल बोल के माध्यम से बता रहा हूं कि यूनिवर्सल है यूनिवर्सल है इसमें yes. कुछ झूठ नहीं है यस 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 ये देखो अच्छा? जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी आज आपके माध्यम से दूर भी हो जाएगी आशु भैया एक गांव का सीधा साधा लड़का बिल्कुल अपफ्रंट जिसके जो दिल में है वो आप बोल दे एक करोड़ रुपए की रकम बिग बॉस में मिलना तो क्या वो पैसा सही तरीके से आप उस समय मैनेज कर पाए या आपको लगता है कि आज होता तो मैं ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेता नहीं नहीं वो तो सही हुआ टाइम पे मिल गया सत्ताईस अट्ठाईस साल की एज थी हाँ। और व्यापार करना बचपन से ही सीखा था हाँ। तो पैसा को घुमाने की तो अकल हमें तब भी थी हाँ। वो तो हमें उसके तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि तब मैं ब्याज का काम करता था और मैं तब जब उस वक्त दो हजार नाइनटी 2000 के बीच हाँ। मैं अपने शहर में ऐसा लड़का था जो चार पाँच हजार रूपए कमा लेता था, अच्छा। कमा था।, हाँ। तब कमा लेता था। <laughs> और तब जब आंटिया दिल्ली जॉब करता है और ये करता है और फलाना करता है और बीस हजार रूपए लेता है मैंने कहा मेरे पास भेज दो यहाँ चालीस में ही दे दूंगा लड़का भी घर के घर में रहेगा <laughs> तो ऐसा नहीं है कमाना तो जहाँ गड्ढा खोदोगे वही पानी है जहाँ माँ से वहाँ कमाई है कुछ भी कमा लो कहीं भी बैठ जाओ कुछ ही लेके बैठ जाओ सब चीज में बिजनेस व्यापार में पैसा है

मैंने भी उनकी तरफ देखा क्योंकि बीच में फादर एक्सपायर हो गए थे एक रोड एक्सीडेंट में और मैं घर में अकेला था बहनों को पढ़ाना था मुझे आज मेरी एक सिस्टर लंडन है डाइटिशियन है एक ब्यूटिशन है वो दिल्ली अपना सलून चला रही है तो मैं पढ़ने में नलायक था लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छा था फिर मैं खुद भी पढ़ा आज मैं एडवोकेट हूँ एलएलबी कर चुका हूँ तो बी एल की पांच साल वाली दो से इक्कीस का बैच में एल एल बी की वो आज मैं बताता हूँ कैसे एग्रीमेंट पढ़ने तो वो डिप्रेशन से बाहर आने में मैं मम्मी को बेस्ट मानूंगा मम्मी साथ थी जो मुझे इन चीज़ों से बाहर ले आई और सीखना शुरू किया फिर मैंने एक डायरेक्टर को असिस्ट किया अच्छा मैंने कहा भाई तुझे असिस्ट करूंगा और जैसे ही कैमरे के पीछे गया मुझे सब समझ में आने लगा जैसे डी ओर भी आया था ना एकदम समझ में आने लगा आज कोई दिक्कत ही नहीं होती आज कोई सामने आ जाए हो तो हमें हमारे तरह का टीचर मिल जाए मैं तो फोटोग्राफी पढ़ता था मेरा सब्जेक्ट था मेरा यह था कि कैमरे के पीछे ही रहूंगा लेकिन ये कह लो कि ऊपर वाले को मंजूरी था कि तू आ गया तो जैसे ही कैमरे के पीछे गया सब समझ में आने लगा अबे यार ये एक्टिंग अच्छा सब समझ में आ ले। और लेंस वैंस की सबकी नॉलेज मुझे शुरू से ही थी कि भाई मैं पढ़ता था मैंने बरेली कॉलेज से फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया फिर सिनेमाटोग्राफी की तरफ मुंबई की तरफ जाना चाहता था लेकिन अचानक ये रोडीज वगैरह वाली टीम इस तरह से मेरा दूसरी तरह से मुंबई आना हो गया एक चीज आशु भैया कि जो आपको मौका मिले कि आज से दस साल पहले या पंद्रह साल पहले कोई ऐसी एक चीज जो आप बदलना चाहो और वो बदल जाएगी तो आपको लगता है कि आज आशुतोष कौशिक और बेहतर हो जाता मैं खुद को बदलना चाहता क्या बदलते आ, ये जो बुद्धि मुझे आज है दस साल पहले मिल जाती हाँ। तो आज इंडस्ट्री के बड़े नामों में जो सुपर होते हैं जिनके नाम से मतलब फिल्म बिक जाती है मैं आज सेलेबल एक्टर होता क्या बात है तो आने वाले टाइम में आपकी फिल्में आ रही है आप शूट कर रहे हैं और क्या प्लान है कि आप किस तरीके की फिल्में करेंगे या फिल्मों से ज़्यादा आपका रुझान बिजनेस में है या ढाबा चलाने में ज़्यादा रुचि रखती है देखो अब तो मैं मेरा मोस्टली एक इनकम मेरी ऐसी है कि एक फ़िक्स इनकम जो मुझे आती है हाँ। मुंबई तो मैं लाइफ टाइम रह लूँ मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो आपका कहना जो एक करोड़ हमने इन्वेस्ट किया उसे इस तरह इन्वेस्ट किया कि आज मुझे कुछ मेरा पैसा ही कमा के दे रहा है मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है और यूट्यूब चैनल बनाए फेसबुक पेज बनाए अपनी बात वहाँ कहनी शुरू की और फिल्में कर भी रहा हूँ और लाइनअप भी हैं आगे और मेन है अब बालक हो गया तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है वाइफ नोएडा रहती है वो खुद बैंक में बैंकर है बैंक में है उसको मुंबई पसंद नहीं है okay. तो मेरी मोस्टली कोशिश ये रहती है कि जितना रह के मैं नोएडा से रह के काम कर लूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अब वो होती है कि नोएडा रह के काम कर लूँ जितना कर सकता हूँ मुंबई आना ना पड़े इतना और अगर ऊपर वाले ने देना ही है तो जितना भी काम कर चुका जो आएंगे अब उनसे भी ऑफर आने शुरू हो जाएंगे ऐसा तो अब तो ग्लोबल इंडिया हो गया है यस yes. यहाँ आके बोर ही होता हूँ किससे मिलने जाऊँ कहाँ जाऊँ किसे बोलूँ तो ये भी रहता है तो इतना ज़रूरी नहीं रहा कि अब मुंबई आना डिजिटल मीडियम ऐसा हो गया है कि आप इतनी भी ज़रूरत नहीं है आपको मुंबई आने की यूथ जो है जो रियलिटी शो में आना चाहता है और उसको हुँ. लगता है कि हम रियलिटी शो में आएंगे तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी पैसा भी रहेगा फेम भी रहेगा सारी चीजें जो लगता है हुँ. जो आते नहीं है आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है दो बड़े रियलिटी शो के विनर हैं व्हाट्स योर थॉट और योर सजेशन उन यूथ को कि यार इस तरीके से खेलना कि ये आप लाइफ टाइम तक सस्टेन कर पाओगे डिप्रेशन में नहीं जाओगे और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना पाओगे देखो यूथ से एक तो मैं ये कहूंगा जितना हो सके रियल रहे क्योंकि मैं अपने होम टाउन में जाता था तो वहां आंटिया बराबर वाली बात करती थी हमारा लड़का दस साल से बॉम्बे है उसका कुछ हो ही नहीं रहा है नहीं। अब इसमें से नलायक नालायक को तो हटा दो जो नलायक ही है जो लायक है उसकी सुनो मैं आया आगे देखा मैंने देखो हो क्या रहा है इनका करके आप कल क्यों नहीं पा रहे हैं ये कहा फेल हो रहे हैं तो देखा क्या कि भाई साहब ने सुबह ही अपनी जिम योगा वोगा सब चल रहा है

वहां उसको यही नहीं पता कि मुझे कब एंट्री लेनी थी कब तक और कब एग्जिट भी लेनी है सामने वाले आदमी नहीं भेजा जा जा भाई भाई मैं मैं तेरे हो हो गया बोर हो लिया अब चला उड़ चल भाई, तुझे मिलूंगा फिर मैं। तो प्रॉपर एंट्री एग्जिट आपको पता होनी चाहिए और चीजें सीख क्या हो जहां आपको मुंबई में किसी डायरेक्टर ने को लास्ट में यही कहना पड़ा अच्छा भाई फिर मिलेंगे तो आपका वहां काम ही नहीं होना है तो खुद ही इजाजत मांग के निकलो सर मुझे इजाजत दें मैं निकल जाऊं मेरी बात तो हो ही गई है तो प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पता हो और चीजों को सीख के आए दसवीं का एग्जाम कौन देगा मैं पूछता था मैंने कहा भाई तुम एक्टिंग के लिए क्या करते हो कह रहे जी ऑडिशन देते हैं मैंने कहा तो भाई एग्जाम पास करना होता है एक्टिंग के लिए क्या करते हो कुछ भी नहीं जिमनास्टिक कराएं कूद कराएं अब शीशे के आगे रियाज करो मेहनत करो कुछ नहीं करेंगे पढ़ो सीखो और चार भाषाएं सीखो जो भी करना है करो वो एक्टिंग के लिए कुछ नहीं वो वैसे सब

तो ये लाइफ के दूसरे पहलुओं में भी काम आती है काम आती है हर जगह काम आती है देखो होता क्या है मैं अगर आपके लिए दर्शन भाई आप कहीं आप कहीं लुट कर आ गए कोई सामान महंगा ले आए और मैं कहूँ मैंने कहा नहीं नहीं भाई जी बढ़िया अच्छी चीज लाए वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे माइंड ने मेरे लिए भी वो काम शुरू कर दिया मुझे भी ऐसे समझाएगा मेरा माइंड नहीं नहीं ठीक है कर दे कर दे तो दूसरे दूसरे का बच्चा सोचोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही हो रहा है और मैं ये चाहता हूं आज के यूज से कहना अपने साथ वाले को आगे बढ़ाओ साथ वाला आगे बढ़ाओगे आपका फोन पे काम हो जाएगा गालियां देके काम हो जाएगा साले वरना तुम भी लाइन में खड़े वहां सर सर कर रहे होंगे क्या बात है मैं अपने दोस्तों को मुझे पता था मैंने बचपन में अपने दोस्तों को ढाबे से भगा देता सबको है हाँ। सालो यहाँ बैठ के रोज के वही शाम को पी लेनी ये कर लेना सब चीजें होनी यही हो रहा है जिंदगी में भगाया मैंने सबको आज सारे कोई बुरा माना सब माने बुरा मानने थे माने थे दोस्त से मानेंगे आज सब हैं, अच्छे अच्छे अपने में। किसी को हाथ जोड़ के, किसी के पैर पकड़ के साथ फोन पे हो जाएगा, वरना आप भी वहाँ लाइन में लगे रहना रहे? सर वो देख लेना लोग अपने वाले को ही खींचते हैं यार पता नहीं कौन सा ज्ञान है हमें समझ नहीं आता बढ़िया लाइन है कि अपने साथ वालों को हमेशा बढ़ाना चाहिए अगर आशुतोष कौशिक को मौका मिले इन दो में से किसी एक रियलिटी शो को होस्ट करने का तो आपको क्या लगता है आप रोडीज को ज्यादा अच्छे से होस्ट कर पाएंगे या बिग बॉस को दोनों <laughs> ही हाँ, कर दूंगा मुझे बहुत ईजी काम लगता है रियलिटी शो को होस्ट करना और मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ जब मुझे लगता ही है तो और क्या बोलूंगा ठीक बात है या कपिल शर्मा जैसे शो में वो एज एन एक्टर उस प्ले करना क्योंकि ये तो हम बचपन से करते थे ये तो हम मतलब जब शुरू से ही ऐसे थे बाकी तो आके यहां की बारिकियां हमने जब कैमरे के पीछे जाके सीखी वो एज एन एक्टर सीखी और आज आप मैं जैसे यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ आप देखना मैं उसमें उसे ये नहीं कि खींचने पर फोकस रखता हूँ जितने में बात हो जाए अपनी बात कह के निकल जाता हूँ जैसे अभी मैंने एक वैसी पोस्ट डाल दी थी वो लोग आजकल वो दस हजार कदम चलो आ, दस हजार कदम चलना चाहिए ऐप आ गए हैं अरे भाई क्यों चलना चाहिए हर एक आदमी के लिए एक नियम थोड़ी है जहां दिमाग ने बोला तुम थक गए बैठ जाओ दस क्यों हर एक के लिए एक नियम होता ही नहीं कभी भी सबके लिए अलग अलग है नियम भाई किसी के पांच हजार में काम हो जाएगा हाँ। किसी का बीस हजार में होगा जाके तो दस हजार लोगों ने हल्ले मचा रखे हैं दस कदम चलो दस चलो, चलो भाई तो मैं तो मैं चीज़ों को उस तरह देखता हूँ मैं कठिनाइयों में सफलता देखता हूँ सफलता हूं में कभी कठिनाई नहीं देखता क्या बात है दूसरा आशुतोष कौशिक को अपने बेबाक नेचर के कारण फायदा ज्यादा होता है या नुकसान ज्यादा होता है बढ़िया चल रही है गाड़ी आज भी बढ़िया चल रही है देखो हम हम क्या कह रहे हैं हम तो जिसको पहले इज्जत देने बेस्ट आज... life, के शो के लिए अपना समय निकालने के लिए एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आपके जो सपने आपने खुद के लिए देखे ईश्वर आपको उससे बहुत ज्यादा दे एंड यू यू और जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से एक शेर जो मैंने लिखा था एक ही लिखा था उसके बाद पैनी तोड़ दिया था तो वो यूथ के लिए लिखा था कि जिंदगी एक शेर की सवारी है जिंदगी एक शेर की सवारी है और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है क्या बात है